नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं फिर से रिसर्च की अर्थात अनुसंधान की कक्षा में उपस्थित हूँ और आज एक ऐसा टॉपिक है जो कि बिल्कुल नया है और ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। खासकर अगर आप देखेंगे यूजीसी नेट में या एनटीए नेट में तो बहुत ही ज़्यादा उसके लिए महत्वपूर्ण है। खास करके जो नए सिलेबस जो आया है यूजीसी एनटीए नेट का उसके अंतर्गत इसको शामिल किया गया है, जिसको आज हम पढ़ेंगे और विस्तृत ढंग से पढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि इसको पढ़ने के बाद आपको फिर कहीं और से किसी भी तथ्य को जुटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें एटीट्यूडनल स्केल का जो डाटा कलेक्शन होता है, फिर आपका टाइप्स होता है, प्रकार होते हैं, फिर उसके जो फंक्शंस होते हैं, उसकी जो विशेषताएं वगैरह होती हैं, आज सारी चीज़ों को हम इसमें समाहित करेंगे और मुझे लगता है कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से इन चीज़ों को जानेंगे। अब हम सीधे आते हैं एटीट्यूडनल स्केल। अगर हम देखेंगे कि एटीट्यूडनल स्केल कहाँ पर यूज होता है तो ये मुख्य रूप से गुणात्मक शोधों में इसका यूज होता है। इसको हम व्यवहारात्मक स्केल भी या पैमाना भी कहते हैं, एटीट्यूडनल स्केल को। अब ये जो व्यवहारात्मक पैमाना है इसके मुख्य रूप से चार प्रकार दिए गए हैं। चार प्रकार जो दिए गए हैं इसको हम लिकर्ट स्केल कहते हैं, फिर थर्स्टन स्केल कहते हैं, गटमैन स्केल कहते हैं और फिर सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल कहते हैं। इसके विभिन्न के अलग अलग नाम भी हैं, जैसे कि लिकर्ट स्केल को और नाम से भी बुलाया जाता है, जिसको कि हम समेटेड रेटिंग स्केल के नाम से जानते हैं। फिर जो थर्स्टन स्केल है उसको हम इक्वल अपेयरिंग इंटरवल स्केल के नाम से भी जानते हैं। गटमैन स्केल को हम स्केलोग्राम के नाम से भी जानते हैं, स्केलोग्राम एनालिसिस के नाम से जानते हैं। तो इसके विभिन्न विभिन्न नाम भी हैं, आज हम इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे। अब सबसे पहले हम आते हैं लिकर्ट स्केल, जिसको कि मैंने बताया था कि इसको समेटेड रेटिंग स्केल के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसा स्केल होता है या एक ऐसा पैमाना होता है लिकर्ट स्केल, जिसमें कि कोई भी जो उत्तरदाता होता है, खास करके किसी वस्तुओं के संबंध में, किसी विषय के संबंध में, किसी घटनाओं के संबंध में, किसी व्यक्ति के संबंध में कोई कथन विकसित किया जाता है, कोई स्टेटमेंट विकसित किया जाता है और उस स्टेटमेंट में जो हम उत्तर देते हैं, हालांकि ये बहुत ही सरल भी स्केल होता है, बहुत सरल स्केल होता है, तो इस स्केल में जैसे मैंने बताया कि किसी कथन को हम विकसित करते हैं और वो किसी घटनाओं पर आधारित हो सकता है, किसी व्यक्ति पर आधारित हो सकता है, किसी वस्तु पर आधारित हो सकता है और उसमें हम जैसे कि पूर्ण सहमत, सहमत, तटस्थ, असहमत, पूर्ण असहमत, इस प्रकार से उसको हम रेट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि पूर्ण सहमत, ठीक है, पूर्ण सहमत, फिर सहमत, फिर तटस्थ, फिर असहमत, फिर पूर्ण असहमत। अब ये आप देखेंगे कि इसके लिए, अब हम मान लीजिए कि इसके लिए अगर हम 5 देते हैं, 4, 3, 2, 1, अगर हम इस प्रकार से, हालांकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जब कथन को विकसित करते हैं उसी समय आप इन चीज़ों को आप अपने पास सुरक्षित भी रख सकते हैं कि हाँ हमें कितना देना है किसके लिए, ये आप खुद से निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन जब हम कोई भी उत्तरदाता किसी वस्तुओं, घटनाओं, कथन के बारे में अपना स्टेटमेंट देता है तो हम उसको उस रेट पर हम क्या करते हैं, अब अगर मान लीजिए कि पूर्ण सहमत दिया है तो उसको हम 5 रेटिंग स्केल में उसको मान लेंगे, 4 मान लेंगे, 3 मान लेंगे, 2, 1 मान लेंगे, इस प्रकार से। तो ये बहुत ही ईजी होता है जो लिकर्ट स्केल है, इसको समेटेड रेटिंग स्केल भी कहते हैं, ठीक है, इसमें बहुत कुछ नहीं है। अब हम आते हैं दूसरा जो थर्स्टन स्केल है, जिसको कि हम इक्वल अपेयरिंग इंटरवल स्केल के नाम से भी जानते हैं। इस पर हम जब आते हैं तो इसमें भी हम जो कोई भी एक स्टेटमेंट विकसित की जाती है किसी के बारे में और स्टेटमेंट के दौरान हम क्या करते हैं, जो उत्तरदाता होते हैं, जो रिस्पोंडेंट होते हैं, उसकी फीलिंग, उसकी भावनाओं, उसके एटीट्यूड, उसकी सारी चीज़ों को, भावनाओं को समझने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, थर्स्टन स्केल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए
कि कोई छात्र है और कोई शिक्षक के बारे में अगर वो हम रेट लेना चाहते हैं तो हम छात्रों से अगर शिक्षक के बारे में उसका क्या कह सकते हैं कि फीडबैक अगर लेना चाहते हैं तो फीडबैक लेना चाहते हैं तो हम इसको किस आधार पर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि शिक्षक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, दूसरा शिक्षक का विषय ज्ञान बहुत अच्छा है, शिक्षक छात्रों को प्रेरित कर पाते हैं, शिक्षक का कक्षा प्रबंधन बहुत अच्छा है। अब हम अगर हम इस रेटिंग मापनी पर अगर हम मापेंगे और हम प्रत्येक का भार, प्रत्येक स्टेटमेंट का भार अगर हम 5 देते हैं, अगर फ्लिपकार्ट से कोई सामान खरीदे तो सामान खरीदने के बाद आप क्या करते हैं, कोई मोबाइल फ़ोन आपने ख़रीद लिया तो उसमें आपको बहुत सारे रेट करने होते हैं, जैसे कि उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस कितना है, उसका बैटरी बैकअप क्या है, उसका जो कैमरा है वो कैसा है, इस प्रकार से सारी चीज़ों को, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, तो ये सब सारी चीज़ों को आपको रेट करना होता है। तो जिस प्रकार से उसको रेट करते हैं उसी प्रकार से इसमें भी हम वही रेट करते हैं। जस्ट अगर उसको आप समझ गए तो दैट मीन्स कि आप गटमैन स्केल को, थर्स्टन स्केल को आपने समझ लिया। तो इसमें भी हम वही काम करते हैं कि अब ये 5 अंकों का अगर भार है तो उसमें हम कितना दे पाते हैं, 1 अंक दे पाते हैं, 1.5, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, कितना हम दे पाते हैं, अर्थात उसको हम पूरा रेट करते हैं। और जितना भी वो, मान लीजिए कि अगर 4 स्तर पर या 5 स्तर पर हमने उसको डिवाइड किया है, वो 5 स्तर को मिला करके जितना उसका टोटल गणना होती है कैलकुलेशन में, वो टोटल जो है वो उसका रेटिंग स्कोर में तब्दील हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये थर्स्टन स्केल या फिर इक्वल अपेयरिंग, इसीलिए इसको इक्वल अपेयरिंग भी कहते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि प्रत्येक अगर 5 स्टेटमेंट है तो 5 स्टेटमेंट के 5-5 अंक होंगे, भार इक्वल होंगे, ऐसा नहीं कि किसी के 4 होंगे, किसी के 3 होंगे, किसी के, लेकिन उसमें से आपको देना होता है कि आप कितने अंक उसमें एक प्रत्येक स्टेटमेंट के लिए आप कितना देते हैं, वो उत्तरदाता का काम होता है, अर्थात उसकी फीलिंग, उसकी भावना, उसकी सारी चीज़ों को समझने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम तीसरे पर आएंगे, ये गटमैन स्केल या फिर इसको स्केलोग्राम एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। तो या गटमैन स्केल या स्केलोग्राम हम जो भी कहें, ये इस प्रकार से व्यवस्थित होता है, खास करके ये भी एक स्टेटमेंट होता है, ये भी एक कथन होता है, जो स्टेटमेंट या वाक्य कैसा होता है इसमें संपूर्ण रूप से जो भी उत्तरदाता होता है उसका, उसके विचारों को अंकित किया जाता है, या फिर ये स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि इस प्रकार से क्रम में निर्धारित होता है या इस प्रकार से व्यवस्थित क्रम में निर्धारित होता है कि वो एक अगर मानेगा तो दूसरा भी मानेगा, तीसरा भी मानेगा, चौथा भी मानेगा, इस प्रकार से उसको निरंतरता और व्यवस्थित क्रम में उसको निर्धारित किया जाता है। एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक स्टेटमेंट है कि मैं आइसक्रीम के पास जाना चाहता हूँ, मैं दूसरा मैं आइसक्रीम को सूंघना चाहता हूँ, तीसरा मैं आइसक्रीम खाना चाहता हूँ, और चौथा मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। अब आप देखेंगे कि अगर इसमें जो लोअर अर्थात जो चौथे क्रम पर जो निर्धारित है स्टेटमेंट जो निर्धारित है, अगर वो कोई भी, अगर मान लीजिए कि मैं, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, अगर ऐसा स्टेटमेंट है तो डेफिनेटली वो जो बंदा होगा या वो जो उत्तरदाता रिस्पोंडेंट होगा वो निश्चित ही पहले, दूसरे और तीसरे कथन से भी सहमत होगा ही होगा। अर्थात इस प्रकार से इस क्रम को निर्धारित किया जाता है कि जो लोअर में, अगर मान लीजिए कि अगर तीसरे को अगर चुना है स्टेटमेंट, थर्ड को अगर चुना है, तो ऊपर वाला जो दो स्टेटमेंट है उससे भी वो एग्री करता ही करता होगा, इस प्रकार से इसको निर्धारित किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि अगर वो नंबर 4 को अगर चुनता है कि मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो वो आइसक्रीम के पास जाना भी चाहेगा, वो आइसक्रीम को सूंघना भी चाहेगा, वो आइसक्रीम को खाना भी चाहेगा। अगर तीसरा को हम चुनते हैं तो अगर मुझे आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है तो हम क्या करेंगे, आइसक्रीम के पास जाना भी चाहेंगे, आइसक्रीम को सूंघना भी चाहेंगे। अर्थात इस स्टेटमेंट के द्वारा गटमैन स्केल जो होता है या स्केलोग्राम एनालिसिस जो होता है, इस प्रकार का स्टेटमेंट होता है जो कि एक व्यवस्थित क्रम में ऐसा स्टेटमेंट होता है, ऐसा वाक्य होता है जो कि लो वाला जो हमारा स्टेटमेंट है उसको अगर हमने
सही किया या उससे अगर हम सहमत हैं तो डेफिनेटली उसके ऊपर वाले जितने भी स्टेटमेंट हैं उससे भी हम सहमत होंगे ही होंगे। अब हम लास्ट में आते हैं सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल ये एक प्रकार का ऐसा पैमाना या एक ऐसा स्केल या ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से ये मुख्य रूप से कोई भी एक स्टेटमेंट होता है जिसके ऊपर में कोई भी चीज़ें निर्धारित होती है जिसका वो स्टेटमेंट होगा, ठीक है, जिसका वो, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाए हैं यहाँ पर आपको, और ये दो ध्रुवीय होते हैं। दो ध्रुवीय मतलब एक ध्रुव और दूसरा ध्रुव, ये दो ध्रुवीय ऐसे पक्ष होते हैं, ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिसके कि अगर मान लीजिए कि हम समय पत्रिका या टाइम मैगजीन इसको अगर हम कह दें, अगर हम इसको इस आंकड़े पर अगर हम नियंत्रित करेंगे या अगर मापना चाहेंगे तो हम ये इस प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे कि 7 भागों में ये डिवाइड होता है प्रत्येक स्टेटमेंट। हमने इसमें लिखने की कोशिश की है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, चूँकि जगह कम था इसलिए हमने बहुत छोटा छोटा दिया है। ये 7 खंडों में डिवाइड होते हैं और जो 7 खंडों में डिवाइड होते हैं इसमें आप एक यहाँ पर आपका है कि आप ये एक ये दो ध्रुवीय है, दोनों ध्रुव अलग अलग है, आप अब इसको इसमें पसंद करना चाहते हैं या इसमें आप करना चाहते हैं और इसके मुताबिक आप अगर मान लीजिए कि ये पक्षपाती कोई है तो इसको अगर आप 6 रेट देना चाहते हैं तो आप 6 कर सकते हैं। इसमें अगर कोई भरोसेमंद है और भरोसेमंद को आप 7 करना चाहते हैं कि हाँ बहुत भरोसेमंद है तो आप कर सकते हैं। अगर कोई मान लीजिए कि आप बेकार और इसको आप रेट करना चाहते हैं और बेकार बहुत बेकार आप समझना चाहते हैं इसको 7 कर सकते हैं, मतलब इस प्रकार से इसको रेट किया जाता है। अर्थात ये सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल ऐसा होता है जिसमें कि कोई एक कथन इस प्रकार से विकसित किया जाता है जो कि किसी के फीलिंग, किसी के पैमाने, किसी के अन्य चीज़ों को वो क्या करता है कि उसको रेट करता है और वो इस प्रकार से रेट करता है कि वो दो ध्रुव में होता है, दोनों ध्रुव अलग अलग प्रकार के होते हैं, दोनों ध्रुव ऐसे होते हैं जो कि दोनों आपस में प्रतिकूल होते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर पक्षपाती है तो यहाँ पर निष्पक्ष है, अगर यहाँ पर विश्वसनीय है तो यहाँ पर अविश्वसनीय है, इस प्रकार से उसको विकसित किए जाते हैं और फिर जो उत्तरदाता को लगता है कि हाँ इस प्रकार का ये आदमी है उस प्रकार का वो अपना रेट करता है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों को मिला करके आप ये संपूर्ण रूप से एटीट्यूडनल स्केल के बारे में जाने होंगे। और अगर आपको पढ़ाई अच्छी लगती है आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।